सीबीआई आखिर क्या सबूत रखती है, किस बिना पर गिरफ्तारी हुई है, ये राउस एवेन्यू कोर्ट में बताती है, और कितने दिन की रिमांड मिलती है या रिमांड नहीं मिलती है सीबीआई को, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन अतुल, जिस तरीके से कल 9 घंटे तक ये पूछताछ चली और 9 घंटे बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई, जिसका अंदेशा लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जता रहे थे, इस 9 घंटे की पूछताछ में क्या मुख्य बातें रही, क्या बड़े पॉइंट्स रहे, कौन से ऐसे अहम सवाल रहे जिनके जवाब तलाशने की कोशिश सीबीआई ने कल की पूछताछ में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 11 बजे रविवार को मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश हुए थे, समन उनको किया गया था, और जब उनसे 11:30 बजे पूछताछ शुरू होती है तो सबसे अहम उनके सेक्रेटरी रहे जो कि दैनिक अफसर हैं सी अरविंद, उनकी 164 सीआरपीसी 164 की वो स्टेटमेंट जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के अंदर कराया गया था, जिसके अंदर जो सी अरविंद जो कि समय अंडमान में पोस्टेड है, उन्होंने कोर्ट के अंदर ये बात कही थी, अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये बात कही थी कि कैसे उनके ऊपर नई शराब नीति, नई आबकारी नीति बनाने के लिए मनीष सिसोदिया ने दबाव बनाया था, कई चेंजेस उनसे करवाए थे, और लगातार जो इंस्ट्रक्शन है वो मनीष सिसोदिया की तरफ से मिल रही थी, और यही कारण रहा कि ये जो स्टेटमेंट है वो अपने आप पे काफी इंपॉर्टेंट थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पूरे तरीके से गोपनीय इस स्टेटमेंट को रखा गया था, किसी को भी इसकी भनक नहीं थी, और जो है उसके बाद जब मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचते हैं तो ये स्टेटमेंट उनको दिखाई जाती है, जिसका जवाब मनीष सिसोदिया के पास नहीं था कि आखिर क्यों एक अधिकारी के ऊपर आबकारी नीति बनाने के लिए, नई आबकारी नीति बनाने के लिए दबाव बनाया गया, कैसे ये जो पूरी नई आबकारी नीति थी इसको लीक कर दिया गया, बड़े बड़े शराब जो विक्रेता जो शराब व्यापारी है उनको लीक कर दिया गया, और इसके भी ज्यादा अहम जो ईडी ने भी अपनी चार्जशीट के अंदर लिखा है कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने अपने 7 मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया, उनको तोड़ दिया, आखिर क्या डर था कि इन मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया गया, और सबसे अहम बात प्राची यहां पर ये कि ये मोबाइल फोन उस दौरान के हैं जब ये पूरी शराब नीति पूरी आबकारी नीति बन रही थी, उस दौरान इन मोबाइल फोन को यूज किया गया था, और इससे भी अहम बात यहां पर ये है कि ये जो मोबाइल फोन है वो ये किसी दूसरे के नाम से लिए गए थे, मनीष सिसोदिया के नाम से ये मोबाइल फोन नहीं थे। तो पूरा डाटा जो है वो अब सीबीआई के पास है, ईडी अलग से पूरी मनी ट्रेल को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब तक दोनों एजेंसियां मिलकर मनीष समेत कुल 11 गिरफ्तारी आबकारी नीति के अंदर कर चुकी है। तो अब देखने वाली बात होगी जब राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा तो किस तरीके की दलीलें जो है वो सीबीआई रखती है, किस आधार पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है, रिमांड सीबीआई को लेना है, उनको लंबी पूछताछ जो है वो सीबीआई मनीष सिसोदिया से करना चाहती है, और जब रिमांड पर लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम रिमांड जो है वो जांच एजेंसी को 14 दिन का मिल सकता है, और जब ये रिमांड मिलेगा तो उस दौरान तमाम सवाल जवाब जो है वो मनीष सिसोदिया से किए जाएंगे। और यहां पर एक बात और प्राची कि जब सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेगी, क्योंकि ईडी पैरेलल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो निश्चित तौर पर जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो उसके बाद ईडी भी अपने केस के अंदर जो एक्साइज पॉलिसी के अंदर जो घोटाला हुआ है उसका केस ईडी रजिस्टर किया था, उस घोटाले में भी ईडी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर सकती है। याद होगा आपको कि सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं 10 महीने से दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, और जिस तरीके से उनके ऊपर पीएमएलए का केस रजिस्टर किया गया था, और उसके बाद अभी तक वो 10 महीने से जेल के अंदर बंद है। अब मनीष सिसोदिया जो है लंबा रिमांड सीबीआई लेने की कोशिश करेगी, और जब ये रिमांड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में यानी कि तिहाड़ जेल जाना होगा, और उसके बाद ईडी भी जल्द ही उनकी गिरफ्तारी अपने मामले के अंदर कर सकती है। जी बिल्कुल, ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल थे जिनके जवाब सीबीआई तलाशने की कोशिश कर रही है, और आज जब कोर्ट में पेशी की जाएगी अब से कुछ ही देर बाद, तो ये तमाम आधार सामने आएंगे कि सीबीआई किस आधार पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है मनीष सिसोदिया को। कुमार सोनू का रुख कर लेते हैं, राउस एवेन्यू कोर्ट पर मौजूद है कुमार सोनू, अब से कुछ देर बाद मनीष सिसोदिया कोर्ट में पहुंच सकते हैं, उनकी पेशी हो सकती है, सीबीआई यहां पर अपना आधार बता सकती है, लेकिन इससे ठीक पहले क्या तैयारी की गई है कोर्ट के बाहर, क्योंकि आशंका यही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर सकते हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या कुछ तैयारी फिलहाल कोर्ट के बाहर नजर आ रही है? देखिए, क्योंकि राउस एवेन्यू कोर्ट जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बिल्कुल सटा हुआ है, तो ऐसे में आप देखें कि यहाँ पर तमाम तैयारियाँ की गई हैं, जो स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर हैं, और पूरा जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है वो कर दिया गया है, और जो जिस गेट से एंट्री होगी उस गेट का नंबर है 5, 5 नंबर गेट से जो है मनीष सिसोदिया को सीबीआई की टीम लेकर कोर्ट पहुँचेगी, तो ऐसे में दोनों तरफ जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी मीडियाकर्मी या कोई भी जो
आम नागरिक है वो उस दौरान आगे ना आ सके, किसी तरीके का विरोध ना हो उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट के आसपास के इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, प्रदर्शन ना हो उसको ध्यान में रखते हुए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कुछ लोगों को प्रदर्शन के दौरान डिटेन भी किया गया था। फिलहाल आपको तस्वीर दिखा दें कि यहाँ पर स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी रैंक के अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं ताकि सिक्योरिटी में कोई भी लैप्स ना हो। तो फिलहाल आपसे कुछ देर बाद जो है कभी भी मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई की टीम सीबीआई हेडक्वार्टर से निकलेगी और राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगी, जहां पर उन्हें आबकारी घोटाले मामले में कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा और सीबीआई जो है मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगेगी, क्योंकि सीबीआई का लगातार ये तर्क है कि मनीष सिसोदिया सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं, लगातार जो है वो सवालों से बच रहे हैं, तो ऐसे में उनका रिमांड बहुत ज़रूरी है। तो अब उसके बाद कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट किस तरीके का निर्णय लेता है, कितने दिन की रिमांड देता है या नहीं देता। फिलहाल जो है अब से माना जा रहा है कि तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट बाद सीबीआई हेडक्वार्टर से मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई की टीम पहुंच सकती है। फिलहाल एक टीम जो है पहले यहां पर पहुंची है, जो आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक हैं वो इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है, तमाम तैयारियाँ हो चुकी हैं, सीबीआई की तरफ से कोर्ट को जो है इन्फॉर्म कर दिया गया है मनीष सिसोदिया की पेशी को लेकर। तो ये तमाम तैयारियाँ पूरी हो चुकी है, अब से बस इंतजार है कि मनीष सिसोदिया को जब सीबीआई की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंचेगी उसके बाद कोर्ट का निर्णय क्या रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।